घर से बाहर ही रहोगे, ज्यादा मेरे को परेशान किया तो। अच्छा बाहर रहूंगा, सोच लो कोई मिल गई तो बाहर। टेक कोई नहीं केयर। मिलने वाली। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रजवीर व्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? सो 12 बज चुके हैं, फिर भी हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं बिकॉज अभी हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। वैसे तो हमारी बहुत पहले ही हो गई थी, पर अभी हम वर्कआउट करके जिम से आ रहे हैं। आप लोगों को दिख ही रहे होंगे, पसीने दोनों पसीने पसीने में हो रहे हैं। आज हमने की थी बैक और अभी हम जा रहे हैं सीधा स्टूडियो, पोस्ट वर्कआउट डाइट लेंगे। और एक कोरियर आना था जो कि मैंने जिम के बाहर ही पिक कर लिया था, तो कुरियर ओपन करना है, वो दिखाना है कि उसमें क्या आया है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे डाइट से रिलेटेड ही है, जिम की डाइट से रिलेटेड ही है। तो चलो पहले स्टूडियो पहुंचते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, पोस्ट वर्कआउट मील ले लिया मैंने, लिए थे आज एग्स, 3 eggs लिए थे, वूल 3 eggs यानी कि येल्लो भी लिया है उसके साथ, और मैं 3 शाम को लूंगा। तो यही मेरी डाइट चल रही है, मैं 6 अंडे डेली के रूटीन में मैंने ऐड किए हैं, तो बस ट्यूसडे नहीं लूंगा बीबी के कहने पे। और आज ना हमने ऊपर ही बैठ के किया है पोस्ट वर्कआउट मील, मतलब ऊपर ही बैठ के यहाँ पर ही किया है, बिकॉज यहाँ आना मुझे अच्छा लगता है, पेड़ों के पास बैठ के पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। अब है ये कोरियर ओपन करने की बारी, तो इसको ओपन करते हैं। और हेमलता ने खाए हैं सोया चंक्स, सोया बीन्स, क्योंकि आज है क्या है, आज इसका वार नहीं है। तो गाइज ये मंगाए हैं हेल्थ कार्ड से, तो इसका गाइज कोई प्रमोशन नहीं है, पर हमने अपने लिए वैसे मंगाया है, क्योंकि मैं मोस्टली प्रोडक्ट मैं हेल्थ कार्ड से मंगाता हूँ, बिकॉज वो हेल्थ के मतलब उसमें ना जेन्युइन मिलते हैं। मैं जिस जिम में पहले जाता था ना, वहां पर मैम थी यशमीन चौहान, आपको अगर नहीं पता होगा तो आप यूट्यूब इंस्टा कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, यशमीन चौहान, उनके अंडर में मैंने वर्कआउट किया है। तो जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चन होता था ना, मैं उनसे पूछ लेता था, और मतलब ये जेन्युइन है, और हेल्थ कार्ड से ही हम मंगाते हैं सारे ऑर्डर्स जो भी है, फेक नहीं मिलता है उस पर, चाहे प्रोटीन भी हो, जैसे बोलते हैं ना बाहर प्रोटीन फेक मिलता है, पाउडर मिलता है, तो हेल्थ कार्ड से ही मंगाता हूँ। ओपन ओपन ओपन। और गाइज इसमें है बॉक्स में, ये उल्टा डब्बा खोला है आपने। अच्छा। ये तो गाइज ये है एम्ब्लेज का प्रोटीन, मसल ब्लेज का, जो कि मैंने ट्रायल के लिए मंगाया है, तो अभी ये छोटा ही बॉक्स मंगाया है। और ये हमारे मल्टीविटामिन्स हो गए, और ये हमारे फिश ऑयल्स हो गए। क्या हुआ, पीनट बटर नहीं है? नहीं। ये क्या हो गया? तो गाइज मैंने अभी रीचेक किया, बिकॉज एक है ना पीनट बटर भी मैंने मंगाया था, बिकॉज जब कभी कभार रात को भूख लगती है एडिटिंग करते वक्त, तो ऐसे ही कुछ भी नहीं खा सकते अटम सेटम, तो मैं पीनट बटर ले लेता हूँ, और मल्टीग्रेन ब्रेड्स तो मेरे पास है ही। तो अभी मैंने चेक किया भाई, मेरे तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आधा ऑर्डर आया आधा नहीं आया, तो अभी रास्ते में है तो वो आएगा, क्योंकि दोनों ये सारी चीजें मैंने हेल्थ कार्ड से की थी ना, तो अलग अलग आ रहा है, मुझे लगा एक साथ आएगा। ये देखो फिलहाल अभी इसको ओपन करके और टेस्ट करता हूँ मैं कैसा है प्रोटीन। लो गाइस, हम तो रेडी भी हो गए स्कूल जाने के लिए, और ये देखो मैं पूरा लुक दिखाता हूँ। अब यहाँ पे तो हिमलता बिजी है, आई होप आप लोगों को मेरा पूरा लुक दिख रहा हूँ। आजकल थोड़ा स्टाइल में आ रहा है, जिम में जा रही है ना। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैं क्या बोलूंगी, कुछ नहीं बोल रही मैं। हाँ नहीं, कुछ तो बोल रहे हो आप, कुछ तो बोल रहे हो, बहुत ज्यादा आवाज निकल रही है। लौट के घर ही आना है बुद्धू को, तो घर ही आएंगे, जाएंगे कहाँ? बुद्धू को घर आके खाना भी खाना होता है, बुद्धू को बुद्धि से भी मिलना होता है। हाँ, अपनी बुद्धि यही छोड़ के जाते हो। ये बैठी तो है बुद्धि, काली बुद्धि मेरी। काली बुद्धि मतलब काला पहना हुआ है ना आपने, इसीलिए। तो गाइज अब है लंच करने का टाइम, और गाइज आज है मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो आज शाम को हमने प्लान किया है कि मैं स्कूल से आने के बाद हम शाम को वहां पर जाएंगे, तो व्लॉग में एंड तक बने रहे। जाते ही है, मतलब मैं बोल रहा था हर साल जाते हैं, तो हिमलता बोल रही है हर साल का, पिछले साल ही तो गए थे, तो एक साल ही तो गए, मतलब शादी को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, तो आज हम ये हमारी मतलब मेरी शादी के बाद सेकेंड एनिवर्सरी पड़ रही है, तो अब हम जाएंगे घर पर ही। तो आज सुबह से टाइम तो मिलता है, वरना आज भी जिम स्किप हो जाता, तो इसीलिए जिम से आने के बाद डाइट करके मैंने कहा तसल्ली से सिस्टी के साथ जाएंगे, और वो हो जाएंगे रात को, तो मैं ऑफ भी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अभी मुझे बीच में एक ऑफ लेना पड़ सकता है, वो मैं बताऊंगा कि क्यों कहाँ जाना है। तो चलो गाइज लंच करते हैं, शाम का वेट करते हैं पार्टी का, सीधा शाम को मिलता हूँ। और लंच में गाइज आज वही है आलू टमाटर की सब्जी, मेरी फेवरेट, और ये है दही, तो थोड़ा मैं दही भी लेने लग गए अब हम लंच के साथ। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं शाम को।
तो गाइस मैं तो जल्दी आऊँ स्कूल के लिए, और देखो हिम्मत दिखाता हूँ, हिम्मत खड़ी होगी सिस्ट्री को लेने के लिए, बिकॉज सेम टाइम होता है मेरा जाने का और हिम्मत का, ये खड़ी। A few hours later. Good evening guys, आ गया हूँ मैं स्कूल से, और इधर क्या बन रहा है? ढोकला। ओ क्या बात है, तो ये मम्मी पापा के लिए बन रहा है ले जाने के लिए, चलो क्या बात है। और मैंने केक ऑर्डर कर दिया, केक आ जाएगा। मैं ध्यान, हाँ यहीं पर ही ध्यान नहीं रहा मेरे, मैं मतलब जल्दी ऑर्डर कर देता, उसमें 50 मिनट्स का दिखा रहा था, मैंने आज निकलते वक्त ही ऑर्डर किया था, तो मतलब पहुंच जाएगा जब तक आपका ढोकला बनेगा, तब तक पहुंच जाएगा। वो थोड़ा सा ना बस पोपट मेरे साथ हो ही जाता है। पोपट हो ही जाता है, पोपट सबके साथ होते हैं। मेरे साथ होता है बर्तनों का इशू, छोटी किचन है ना, छोटी किचन के हिसाब के सारे बर्तन नहीं है। अब इसमें बेसन ये कम था, ये क्या उड़ रहा है, ये वैसे क्या उड़ रहा है, मतलब कुछ उड़ रहा है, मतलब जो कैमरे में दिख रहा है लाइट के साथ हल्के फुल्के, इसमें छौका लगाया है। अच्छा तेल में, तो गाइस ये छौका लग चुका है, भंगार बोलते हैं जिसको, भंगार, और ये चीनी डल रही है, भंगार बोलते हैं कुछ और बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, भंगार तो कबाड़ा होता है, वही मैं सोच रहा हूँ यार। भंगार वैसे ही होता है यार, मैं भूल गई। चलो ठीक है, फोकस करो, जल्दी टाइम नहीं है, और टाइम गाइस 7:10 हो गए हैं और निकलना है, बस मैं तो यही पहन के चलूंगा जैसे मैं हूँ, और सिस्ट्री ऑलरेडी इसी कपड़े में चलेगी, तो कोई चेंज वेंज करना है नहीं। और हेमलता, और हेमलता इसमें चलेगी, क्या चेंज किया? हाँ तो स्कूल ड्रेस चेंज की होगी ना, कपड़े तो हम ऐसे ही पहन के जा रहे हैं, बस नानू नानी के विश करके केक कट करके आ जाएंगे खाना खा के। किसका बर्थडे आज? आज बर्थडे नहीं, आज नानू नानी की एनिवर्सरी है। क्या? आज नानू नानी की शादी हुई थी आज के दिन। कितने साल हो गए, कितने साल हो गए मम्मी पापा को? 47 47 ईयर्स हो गया गाइस, तो 3 साल बाद उनकी कौन सी एनिवर्सरी होगी, गोल्डन एनिवर्सरी होगी। तो चलो अभी केक आने वाला है, बस केक का वेट कर रहे हैं, और आते ही फिर हम चलते हैं। लो जी गाइस ये हमारा ढोकला भी तैयार हो गया है, ये देखो खाने का मन कर रहा है यमी यमी देख के। चलो नहीं वहीं पे साथ में ही खा लेंगे सबके साथ में। तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं, और केक वाले को मैंने ना कॉल कर दिया था, बिकॉज और ज्यादा लेट हो जाता तो 5:35 मिनट्स दिखा रहा था, तो सीधा अब हम चलते हैं ऑन द वे, हम केक पिक कर लेंगे उस पर्सन से, डिलीवरी बॉय से, तो चलो सीधा वहीं मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइज आज की एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को भी, और हेमलता को भी, और सिस्ट्री को भी। तो आज बताया क्या हुआ, मैं स्कूल जा रहा था, स्कूल जाते वक्त ना एक रेड लाइट पड़ती है रास्ते में, तो मैं वहां पर रुका हुआ, और ऐसे ही मैं अपने मतलब सॉन्ग सुन रहा था, फोन में देख रहा था, तो रेड लाइट में मोस्टली मैं फोन यूज कर लेता हूँ। तो क्या हुआ कि मेरे साइड में ना, इस साइड में एक बंदा खड़ा था बाइक पे, तो उसने ना नॉक किया गाड़ी के मिरर पे, और बोला, फिर मैंने शीशे को डाउन किया थोड़ा सा, और बोला कि भाई बड़े भाई, मुझे ऐसा लगता कि मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा मुझे देखा है, मैंने सोच के मैंने बोला, मैंने कहा आपने वीडियोज में देखा होगा। कह रहे हाँ याद आ गया, कह रहे आपकी मैंने फीमेल टू मेल की ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो देखी थी। तो इतनी देर में वो बोलने लगा कि आप यहीं पर ही मतलब यहीं रहते हो, इतनी देर में ग्रीन लाइट हो गई थी, फिर चलने लग गए, फिर बस फिर रोज छूट गया, तो इससे मतलब गुड वाइब्स आई, मजा आया वैसे ये देख के ना कि हाँ भाई कहीं ना कहीं हमारे मिल ही जाते हैं बंदे जानने वाले। थैंक यू भैया, बंद कर लो ये लो। पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया अफसाना तेरा रे। गाइस इसमें है ढोकला, देखो थाली ऐसे रखी, सीधी ऐसे रख के लाए हैं, और उधर हेमलता के, और इधर हेमलता के हाथ में है केक। और वैसे है ना गाइज, हमने मम्मी पापा को बता दिया था कि हम आ रहे हैं, ये कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन फिर भी विश करने के लिए आए हैं स्पेशली मिलने के लिए। सो गाइज ये मेरा भाई, लोग मिलने के लिए बोल रहे थे मेरे भाई से ना, मम्मी पापा दिखते हैं, भाई नहीं दिखते हैं। हाय कर दो, हाय।
भाई की तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड हो गया भाई को जाते जाते, है ना। देखो कौन सा केक है, चॉकलेट केक है, एगलेस है। टीवी के इसको म्यूट कर दो थोड़ी देर के लिए। लो हैप्पी बर्थडे नहीं है, एनिवर्सरी है। ये एनिवर्सरी मम्मी पापा जी। बहुत जल्दी 3 साल बाद हम गोल्डन जुबली मनाएंगे। 50 साल के, 47 साल हो गए। 76 साल लगा ना हिसाब। केक खाना है, नान नानी को खिलाओ पहले, मम्मी पापा को खिलाओ पहले। 38 का होगा का, दादा दादी को अपने माँ बाप ने तो खवाया। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मेरे पापा केक काट रहे हैं। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं घर। अभी रात के 11:15 हो चुके हैं। अभी हम लेट हो चुके हैं कुछ ज्यादा ही। कल सुबह मुझे जा रहा है स्कूल, लेट हुआ अभी सो के आराम से। हाँ तो गाइस, रात के 11:15 हो गए हैं और अभी चल रहे हैं। और पहले ही बात करने में ना लेट हो गया है थोड़ा बहुत, वैसे तो बातें ही होती हैं इसलिए मैं ज्यादा व्लॉग बना नहीं पाता यहाँ पे, और टीवी चल रहा होता है बस बातें चल रही होती हैं इसीलिए। है चलो पापा जी, चलो फिर मिलते हैं मम्मी के बर्थडे। मम्मी के बर्थडे पे मिलते हैं। बाय पापा जी। सो गाइज, घर से आ चुके हैं, स्टूडियो पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है 12:45, मतलब हमें आए हुए लगभग आधा घंटा हो गया है। सृष्टि सो चुकी है, वहां पे हम ज्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि बस केक कटिंग किया, फिर उसके बाद खाना वाना मम्मी ने तैयार किया हुआ था, मटर पनीर। पूरियों के लिए हमने मना कर दिया था क्योंकि अभी हम थोड़ा डाइट पे है ना, इसलिए तला हुआ हम अवॉइड कर रहे हैं। बस हाथ ऐसे भी रख सकते हो, हाथ बहुत लंबा दिखता है। तला हुआ हम अवॉइड कर रहे हैं इसलिए पूरी के लिए मैंने मना कर दिया था, तो मम्मी ने रोटी ही बना ली थी। बस खाना वाना खाया, फिर उसके बाद हमारी रात की चाय चलती है और चाय पे हमारी चर्चा चलती है, बस वही चाय के साथ बातें बातें करके फिर अब आ गए। और ये कर रहे हैं अभी यहाँ पर एडिटिंग का फाइनल टच, ऑलमोस्ट हो गई है। कुछ इन्होंने वहाँ पे कर ली थी बैठे हुए ना, थोड़ी सी रह रही है बस। और मेरा भी अब 1 बजने वाला है और सुबह 5 बजे उठना है, तो सोने का टाइम हो चुका है। सोने का टाइम तो बहुत पहले ही हो गया था, अब नींद भी आ रही है। सो गाइज, आज मम्मी पापा की, जैसे कि आपने देखा, मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी, और ये उनकी 47th मैरिज एनिवर्सरी थी। 3 साल और बचे हैं उनकी गोल्डन जुबली के लिए, तो देखते हैं आगे का क्या प्लान रहता है। पहले तो खैर इतना नहीं हम सेलिब्रेट कर पाते थे, लेकिन अब जब से शादी हुई है तो अब हम चले जाते हैं, थोड़ा सा केक वगैरह ले जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। गेट टुगेदर भी हो जाता है और छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाता है उनकी एनिवर्सरी का, उनको भी बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं वो भी। और आज मैंने आपको अपना भाई भी दिखाया व्लॉग में, आपने देखा होगा। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि, मतलब कमेंट आते हैं कि मेरी फैमिली में लोग नहीं, किसी ने बोला था, किसी ने कमेंट किया था कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। मेरी फैमिली में मम्मी पापा भी हैं, भाई भी हैं, भाई भाभी भी हैं, वो लोग तो अलग रहते हैं। ये जो अभी मैंने आप आज वीडियो में दिखाया, वो भाई मेरा कुंवारा है, अभी कुंवारा नहीं, कुंवारा है, सॉरी, कुंवारा है अभी, मतलब अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई है और वो थोड़ा सा अपने काम वाम में बिजी रहता है। तो मोस्टली ये होता है कि वो, उसको सिर्फ थक इतना जाता है, वो खाना खा के वो सोने चला जाता है। और ज्यादा हम घर पे शूट नहीं कर पाते क्योंकि हम जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो हम बातें वगैरह ही करते रहते हैं, तो व्लॉग में हम बहुत कम ही शूट कर पाते हैं व्लॉग, मतलब बहुत कम ही चीजों को ले पाते हैं।
सो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपने इंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना। मिलते रहेंगे ऐसे ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ। और अभी इनके दिमाग में बहुत कुछ खुराफाती चल रहा है, ये मेरे को डरा के इन्होंने रखा हुआ है और सच में मैं डरी हुई हूँ। अब मुझे नहीं पता मेरे साथ कब कहाँ ये क्या बम फोड़ दें। और फिर इनको ये नहीं पता कि मेरा बम कब इन पे फूटेगा। मैं बताता हूँ क्या हुआ कि मैं अभी जब आ रहा था ना तो मैंने इनता को बोला कि अब ना आप रेडी हो जाओ। अब मेरा माइंड है ना खुराफाती हो गया, मतलब खुल गया है दिमाग। जैसे मैंने एक दो प्रैंक कर लिए है ना, तो अब मुझे आइडियाज अब इतने ऐसे आने लग गए ना। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि एक मतलब व्लॉग डालू और प्रैंक भी दो चार डाल दू ऐसे, मतलब माइंड में आ रहे हैं। तो मैं ये हिम्मत को ये बोल रहा था कि आप ना अब अलर्ट हो जाओ। तो जी अपना भी ख्याल रख लेना फिर घर से भागने का, ठीक है? घर से भागने का कैसे? हाँ घर से बाहर ही रहोगे, ज्यादा मेरे को परेशान किया तो। अच्छा बाहर रहूंगा, सोच लो कोई मिल गई तो बाहर। कोई नहीं मिलने वाली, टेक केयर करने वाली बाहर कोई नहीं मिलने वाली। सच में आप कैसे गारंटीड हो? सबको पता है मैरिड है। तो मैरिड को क्या मिलती नहीं है? नहीं। सोचो गाइस इसी पे ये एक प्रैंक हो जाए तो। प्रैंक हो जाए तो अभी प्रैंक हो रहा है और इसी मैं करने देती हूँ प्रैंक, आप तब कर पाते हो, ठीक है? अच्छा ये तो ऐसे ही कहने वाली बात हो गई, मैं करने देती तो बॉब कर पाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस आप लोग भी रेडी हो जाओ और लता भी रेडी हो जाए बस, तो बिंदासली प्रैंक ही प्रैंक होने वाले हैं और मस्त मजाक और डेयर चैलेंज भी करेंगे, तो मस्त मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें मैंने सोच ली है, प्लान आगे ही बताऊंगा, अभी कुछ भी मैं शेयर नहीं कर रहा। अब वो आपको जैसे ऑल ऑफ सडन मिलते हैं ना, आज भाई ने ये प्रैंक कर दिया, आज ये वीडियो आ गई, तो चलो ऐसे ही आपको ऑल ऑफ सडन चीजों का पता चलेगा, तो बस बने रहे। तो ठीक है गाइस ये मेरी वीडियो एडिट हो चुकी है, वैसे तो मैंने वहां पर आईफोन में ही एडिट कर ली थी वीडियो, तो बस फाइनल टच का काम कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया, फाइनल टच में सॉफ्टवेयर में ही कर रहा हूँ, तो मतलब जुगाड़ सिस्टम से मैंने काम कर लिया था कि मुझे स्टूडियो आके ज्यादा काम ना करना पड़े। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स एंड प्रैंक के साथ। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते रहेंगे इनकी कुटाई के साथ। कुटाई देखते हैं किस किस की कुटाई होती है। बाय कर दो। ओके गाइस बाय, गुड नाइट, टेक केयर।